जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सरस्वती ऑनलाइन क्लासेस में। और चैप्टर चल रहा है अपना सातवां, क्लास सिक्स चैप्टर सेवन, पौधों को जानिए। अब हम पौधों में बात कर रहे थे जड़ की। जड़ आपको मैंने बता दिया कि जड़ जो होती है वो जमीन में नीचे होती है, ठीक है। जड़ को मूल भी कहते हैं। जड़ें क्या करती है, पेड़ पौधों को भोजन बनाने के लिए जो पानी और खनिज लवण चाहिए वो जड़े नीचे से अवशोषित करके जमीन से तने को देती है और तना पत्ती को देता है और पत्ती भोजन बनाती है, ठीक है। तो पेड़ पौधों में भोजन बनाने का काम कौन करती है, पत्ती करती है। एक मैं आपको बात बता दूं कि हम श्वसन करते हैं ना, हम लोग श्वसन करते हैं तो कौन सी गैस अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर छोड़ते हैं। तो पेड़ पौधे भी श्वसन करते हैं, पेड़ पौधे भी हमारी तरह ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर छोड़ते हैं। बस फर्क इतना है कि जब पेड़ पौधे में जो पत्तियां होती है, जब भोजन बनाती है पत्तियां, तब पत्तियां कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से लेती है। अब वरना बाकी सब टाइम पेड़ पौधे भी हमारी तरह श्वसन करते हैं और श्वसन में ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं और CO2 गैस बाहर छोड़ते हैं, ठीक है। इस मेन बात को मैं लिखा हूं, जड़ लिखने से पहले एक पॉइंट नोट लगा के लिखेंगे आप लोग कि नोट, पेड़ पौधे भी अन्य प्राणियों की तरह जैसे दूसरे प्राणी है ना, जैसे हम हैं, घोड़ा गधा, जो भी प्राणी आपको आसपास दिखाई दे रहे हैं जिनमें जीवन होता है वो प्राणी सजीव, और पेड़ पौधे भी किस में आते हैं, सजीव में। तो पेड़ पौधे भी सजीव में आते हैं और हम भी सजीव में आते हैं। हमारे आसपास जितने भी जानवर हैं, जो भी आपको दिखाई दे रहा है, मतलब जिनमें जीवन होता है, गति होती है, जो श्वसन करते हैं, जो जनन करते हैं, ये निर्जीव होते हैं ना, टेबल पंखा कुर्सी, ये सब निर्जीव है। लेकिन इसके अलावा जो सजीव है जैसे गाय घोड़ा गधा ऊंट, जो छोटे छोटा कीट है जानवर है, सब ये सजीव है। और पेड़ पौधे भी क्या है, सजीव। तो पेड़ पौधे भी अन्य प्राणियों की तरह, अन्य जीवों की तरह श्वसन करते हैं। क्या करते हैं, श्वसन करते हैं, ठीक है। तथा श्वसन में O2 यानी ऑक्सीजन गैस, और श्वसन में O2 यानी ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं तथा CO2 गैस, या CO2 लिख के लिख दो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। परंतु ये बोलते, परंतु जब पेड़ पौधों में पत्तियां भोजन बनाती है ना, जब पेड़ पौधों में पत्तियां भोजन बनाती हैं, उस समय पत्तियां CO2 गैस अंदर लेती है या ग्रहण करती है, अंदर यानी ग्रहण करती है, अंदर लेती है यानी ग्रहण करती है। इस मेन चीज को लिख लो, आप अगर कुछ भी ले कि भाई पेड़ पौधे भी श्वसन करते हैं क्या, तो आप कहेंगे हाँ पेड़ पौधे भी हमारी तरह श्वसन करते हैं, वो भी ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं और CO2 गैस बाहर निकालते हैं। पौधे भी हम जैसे हम श्वसन करते हैं ना, सांस ली सांस छोड़ी, ऑक्सीजन गैस अंदर ली, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर छोड़ी, हम श्वसन करते हैं तो कौन सी गैस अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन गैस, और बाहर कौन से निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। वैसे ही पेड़ पौधे भी श्वसन करते हैं, ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं और CO2 गैस
बाहर निकालते हैं। लेकिन जब पेड़ पौधे में जब पत्तियां भोजन बनाएगी ना, भोजन बनाने का काम जब होगा तब पत्तियां CO2 गैस बाहर से अंदर लेती है, बाकी टाइम पत्तियां यानी पेड़ पौधे भी ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और CO2 गैस बाहर निकालते हैं। ये लिख लो। उसके बाद बात करते हैं जड़ की। कल बात कर रहे थे जड़ की, जड़ जो होती है वो पौधों में क्या कहलाती है, स्थिरक। जड़ को क्या बोलते हैं, स्थिरक भी बोलते हैं या मूल, क्या बोलते हैं, मूल भी कहते हैं। जड़ यानी स्थिरक या मूल, क्योंकि जो जड़ होती है वो पौधों को एकदम सीधा स्थिर खड़ा रखती है, इसीलिए जड़ों को स्थिरक या मूल और मूल भी कहते हैं। ठीक है, जड़े होती क्या है, जमीन के नीचे दबी होती है और ये मूलांकुर से निकलती है, मूलांकुर यानी मूल के अंकुर वाले भाग से निकलती है जड़े। अब बात करते हैं जड़ की। जड़े दो प्रकार की पाई जाती है पेड़ पौधों में। पहली है मूसला जड़ और दूसरी है जकड़ा जड़ या इसका दूसरा नाम है रेशेदार जड़, जकड़ा जड़ या रेशेदार जड़। कल बताया था, आज आपको बता रहा हूं। मूसला जड़ में क्या होता है, जैसे कोई पेड़ लेना, अगर उसके नीचे आपको ये जड़े दिखाई दे, बीच में क्या होती है, मोटी जड़ होती है, बीच में एक मोटी या मुख्य जड़ होती है, इसको बोलते हैं मुख्य जड़। ठीक है, पास में छोटे छोटे निकले जैसे, तो ऐसा ऐसे पौधे जिनमें जड़े जो जिनमें एक मुख्य जड़ होती है जड़ों में और पास में छोटी छोटी जड़ें निकलती हैं, इन पार्सल जड़ों को बोलते हैं पार्सल जड़े। पार्सल जड़े भी पास में साइड में निकली हुई जड़े, इनको बोलते हैं पार्सल जड़े। तो मूसला जड़ में क्या होता है, बीच में एक मुख्य जड़ होती है और पास में छोटी छोटी पार्सल जड़ें होती हैं, उसको बोलते हैं मूसला जड़। उसको क्या बोलते हैं, मूसला जड़। ठीक है, समझा की बात। फिर जकड़ा जड़ या रेशेदार जड़। जकड़ा जड़ या रेशेदार जड़ किसे कहते हैं, जकड़ा जड़ वो होती है जिनमें आप पेड़ को देखना, ये पेड़ मान लो अभी नीचे जड़े हैं, सभी जड़े क्या हो, ऐसे एक समान एक जैसी हो, इसमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती, ऐसे जकड़ा जड़ किसे कहते हैं, जकड़ा जड़ या रेशेदार जड़। ऐसी जड़े जिनमें सभी जड़े क्या हो, एक समान हो, सभी बराबर लंबाई की हो, इसमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती, सभी जड़े एक समान दिखाई देती हैं, उसे बोलते हैं जकड़ा जड़ या रेशेदार जड़। क्या बोलते हैं, जकड़ा जड़ या रेशेदार जड़। समझ आ गई बात। ठीक है, अब एक चीज और देखना, हमने एक पेड़ का सीधा विन्यास, पत्ती होती ना पत्ती, ये पत्ती है, पत्ती बीच में एक मुख्य सिरा, फिर छोटी छोटी सिराएं होती हैं, ये कैसा सिरा विन्यास है, जाली का रूपी सिरा विन्यास। कैसा है, जाली का रूपी सिरा विन्यास, जाली का रूपी सिरा विन्यास। ये हमने पढ़ा था, तो पत्तियों में दो प्रकार का सिरा विन्यास होता है, जाली का रूपी सिरा विन्यास और दूसरा होता है समांतर सिरा विन्यास। सभी सिरा कैसे होती है, सीधी एकदम ऐसे, ये हो गया समांतर सिरा विन्यास। ठीक है, अब याद रखना, जिनमें देखो, अब जाली का रूप में क्या होती है, बीच में एक मुख्य सिरा होती है और फिर साथ पास में क्या होती है, छोटी छोटी सिराएं होती हैं, इसको बोलते हैं जाली का रूपी सिरा विन्यास। तो जाली का रूपी की तरह कौन है, ये देखो मूसला जड़ में क्या होता है, मुख्य जड़ होती है और पास में छोटी छोटी जड़ें निकली होती हैं। तो जिन पत्तियों में सीधा विन्यास जालीदार रूप में पाया जाता है उनमें मूसला जड़ पाई जाती है। मूसला जड़ किसमें पाई जाती है, जिन पत्तियों में सीधा विन्यास जालीदार रूप में पाया जाता है, ये जालीदार रूपी सीधा विन्यास है। तो क्योंकि जालीदार रूपी सीधा विन्यास क्या होता है, इसमें एक मुख्य सिरा होती है, पास में छोटी छोटी सिराएं से निकली होती हैं, ये होता है जाली का रूपी सिरा विन्यास, पत्तियों में पाया जाता है। जिन पत्तियों का सिरा विन्यास जाली का रूपी होगा उसमें जड़ कैसी पाई जाएगी, मूसला जड़ पाई जाएगी, क्योंकि मूसला जड़ भी कैसी होती है, बीच में मुख्य जड़ और पास में छोटी छोटी जड़ें निकली होती है। तो इसको इससे कनेक्ट करना है कि जिनमें मूसला जड़ होगी उनमें जाली का रूपी सिरा विन्यास पाया जाएगा।
का, और फिर में जाली का दूसरा विन्यास होगा, फिर दूसरा जल पाई जाएगी, ठीक है। और दूसरी ऑटोमेटिक रेस्टार किससे जुड़ गई, समांतर सीधा विन्यास से। देखो इसमें सभी जड़ें क्या होती है, एक समान होती है, और इसमें सभी सिराएं क्या होती है, एक समान यानी समांतर होती है। ये समांतर सिरा विन्यास है नहीं है, तो जकड़ा जड़ या रिश्ता जड़ में कैसा कैसा सिरा विन्यास पाया जाता है, समांतर सिरा विन्यास, समांतर सिरा विन्यास। समझ आ गई बात, आगे ना मूसला जड़ जिसे मुख्य जड़ और पास में पार्श्व में छोटी छोटी जड़ें हो उसको बोलते हैं मुसला जड़। अब मुसला जड़ जिसमें होगी उसमें कौन सा सिरा विन्यास पाया जाएगा, जालिका रूपी सिरा विन्यास, क्योंकि इसमें भी क्या होता है मुख्य सिरा होती है, बीच छोटी छोटी सिराएं पास में छोटी छोटी सिराएं निकलती है, ठीक है। तो ये हो गया जालिका रूपी सिरा विन्यास, किसमें होगा मुसला जड़ में, जिसमें मुसला जड़ होगी इसमें जालिका रूपी सिरा विन्यास, इसमें जालिका रूपी सिरा विन्यास होगा उसमें मुसला जड़ पाई जाएगी। दूसरे से कनेक्ट हो गए दोनों, दूसरा ऑटोमेटिक से कनेक्ट हो गया, जिसमें जकड़ा जड़ पाई जाएगी उसमें सिरा विन्यास कैसा होगा, समांतर सिरा विन्यास, क्योंकि इसमें भी क्या होता है सभी सिरा एक समान होती है और इसमें सभी जड़ें एक समान होती है, जिसमें समांतर सिरा विन्यास होगा उसमें जकड़ा जड़ या सिरा जड़ पाई जाएगी। समझ गया आप लोग, चलिए अब लिखते हैं इसके बारे में। चलिए चलो इसको बिठा दो वाले को भी, आप लोग आराम से निकले ना वीडियो रोक के, ठीक है, मैं इसको बिठा रहा हूं। अब लिखो जड़ के बारे में, लिखना भी बेटा लिखो, जड़े हैं दो प्रकार की होती हैं, पहली है मुसला जड़, वह जड़ें या वह जड़ जिसमें एक मुख्य जड़ हो, बीच में क्या हो एक मुख्य जड़, तथा पार्श्व का मतलब होता है साइड में, तो साइड की जड़ें हैं पार्श्व में दोनों और भी होता है, पार्श्व में छोटी छोटी अन्य पार्श्व जड़ें, पार्श्व में ऐसे कौन सा नाम हो गया आपका पार्श्व जड़ें, ऐसी जड़ें जिसमें बीच में एक मुख्य जड़ हो, इसमें एक मुख्य जड़ हो, तो पार्श्व में साइड में दोनों तरफ छोटी छोटी जड़ें होती हैं उनको बोलते हैं पार्श्व जड़ें, तो साइड में दोनों तरफ छोटी छोटी अन्य पार्श्व जड़ें हो, तो पार्श्व में यानी साइड में दोनों तरफ छोटी छोटी अन्य पार्श्व जड़ें हो उसे मुसला जड़ कहते हैं, क्या कहते हैं मुसला जड़ कहते हैं, ओके। नेक्स्ट दूसरा, अब इसमें भी लिखा चित्र बना रहा चलो, ये मान लो कोई पेड़ है, ये होगी जड़े इसकी, बीच में तो होगी मुख्य जड़, पास में छोटी छोटी जड़े होगी, हो गया मुसला जड़, कैसे जड़े हैं मुसला जड़ सो बोलते हैं मुसला जड़। और अब जिसमें मुसला जड़ होगी उसमें सीधा विन्यास कैसा होगा, जालिका रूपी सीधा विन्यास, यानी जो नोट लगा के या किस्सा लगा के लिख लो, नोट या हिस्सा लगा के लो, जिन पौधों में मुसला जड़ पाई जाती है उनमें जालिका रूपी सिरा विन्यास होता है, पत्तियों में पाया जाने वाला सिराओं का डिजाइन जालिका रूपी सिरा विन्यास पाया जाता है,
ठीक है। अब दूसरे लिखो रेशेदार या जकड़ा जड़, रेशेदार या जकड़ा जड़, इसमें लिखो दूसरी होती है रेशेदार और जकड़ा जड़ जिसे कहते हैं, रेशेदार या जकड़ा जड़ लिखो इसमें। वे पौधे जिनमें जिनमें सभी जड़ें एक समान यानी एक ही लंबाई की, एक समान यानी एक ही लंबाई की हो तथा कोई मुख्य जड़ ना हो, बीच में कोई मुख्य जड़ नहीं होती, मुख्य जड़ नहीं हो उसे रेशेदार जड़, या वे जड़े जो वे जड़े जिनमें रिश्ता जड़े वे जड़े जिनमें सभी जड़े एक समान एक लंबाई की हो तो कोई मुख्य जड़ ना हो तो रिश्तेदार या जकड़ा जड़, जकड़ा जड़ कहते हैं। लिखो इसको, फिर हम जकड़ा जड़ का चित्र बनाते हैं। और जकड़ा जड़ जिसमें पाई जाएगी उसमें सिरा विन्यास कैसा होगा, समांतर सिरा विन्यास, वो भी लिखेंगे। चलो एक बार लिखो इसको, तीर का निशान लगा लिखना यहाँ पे रेशेदार जड़ कौन सी है, रेशेदार या जकड़ा जड़। चलिए ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ।
गुड बाय, थैंक यू।